लंकेश मिश्रा जी, लंकेश मिश्रा जी, लंकेश मिश्रा जी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसका नाम है राकेश मिश्रा एकरी। ये जोकर इतना बड़ा जोकर है जिसको ये नहीं पता कि ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं। 28 बोलता है, बताइए। लेकिन उसी ताश में ना एक जोकर होता है जो रहता तो 28 पत्ते में है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। अच्छा भाई, तुम आठवीं पास हो ना हो, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैडम जी चिल्ला चिल्ला के बताती है कि बेटे ताश में 52 पत्ते होते हैं। लेकिन वो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस सब चला जाता है दहीने जब पता चलता है कि 23 घंटा में बस 2000 व्यूज आए हैं। छी 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 छी, मतलब किससे तुलना किया जाए? भोजपुरी में कोई तुलना करने लायक आपके तो नहीं है। बताइए, इससे अच्छा तो इसका व्यूज आ जाता है। एटीट्यूड देखिए जनाब का, साफ प्याज काटर चल रहे हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आज से कुछ दिन पहले तूफानी लाल यादव के गाना में साड़ी पहन के नाचते थे। अब इनको कौन समझाए कि साड़ी पहन के और विवाद करके कोई हीरो नहीं बनता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये कारनामा करने का टेंडर एक ही आदमी के पास है और वो है अपने खेसारी भैया। तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। ये गलती आप करने जाइएगा तो लोग पेल के रेल बना देगा आपको। शर्म करो, भगवान से डरो। खैर, श्री लंकेश मिश्रा जी का विवाद बताते हैं कहां से शुरू होता है और पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है। मेरा एक इतिहास रहा है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीना हमेशा सीखें। बस बस बस, सारा गलती यही हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का जनाब को दांत तो देना पड़ेगा, मतलब अकेला मर्द हूँ। तो अगर भाई साहब के पास एटीट्यूड हटना है तो हर गाने पे 500 मिलियन व्यू जाना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब कायदे से अगर देखा जाए, शाहरुख खान अगर एटीट्यूड दिखाते हैं तो उनका आने वाला फिल्म जो है वो 1000 करोड़ कमाता भी तो है ना। बात तो सही है, लेकिन तू कौन बात पे प्याज काटा था रे भाई, 23 घंटे में 2000 व्यूज पे। कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा, हम किसी की बात। अच्छा अच्छा, मतलब कसम से बता रहे हैं, एयरटेल वाली इस लड़की के बाद अगर किसी का घमंड दिखा हमको तो वो राकेश मिश्रा ही है। हाँ, होना भी चाहिए। अब बताइए, 23 घंटा में जो 2000 व्यूज ला रहा है उसको इतना घमंड तो होना ही चाहिए भाई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। देखो दोस्त, अगर कायदे से देखा जाए तो लंकेश भाई को पवन सिंह से दिक्कत तो है गुरु। पिछले 2-3 साल से न जाने कितने सारे मंच पे कितनी सारी बातें हर किसी ने बोला। और ये बात जो है वो कहा गया है पवन सिंह जो अनुपमा यादव को जर्सी गाय बोले थे ना, उस बात के लिए ही। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके फैन भी विरोध करने लगते हैं अगर पवन सिंह कुछ गलती करे तो, मतलब एकदम रेल बना देते हैं फैन लोग ही। बात तो सही है। ज्यादा पुराने जाने की जरूरत नहीं है, ये देख लो तुम, लंका के लंगूर 10 लाख रुपया लग के इस लड़की के साथ गाना गाया गया था, इतना विरोध हुआ कि दोबारा शूट करना पड़ा। लेकिन ये बात तुमको कहां से समझ में आएगा, घुटना बुद्धि का संगत तो पकड़ लिए हो। जो कलाकार अपने गाना पे 200 लोग भी व्यूअर आते हैं ना, तो वो उसके मेहनत के व्यूअर हैं। ना ना, मेहनत तो सिर्फ यही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्याज छिलते हैं दिन भर, 2 मिनट में आके वीडियो बन जाता है। हाँ, वो बात अलग है लंकेश भाई का कि इनका गाना कोई और लिख देता है, वीडियो कोई और शूट कर देता है, एडिट कोई और कर देता है, अपलोड कोई और कर देता है, यहाँ तक का थंबनेल भी कोई और बना देता है। लेकिन ना, मेहनत सबसे ज्यादा ये करते हैं, हम लोग का वीडियो तो यही लिखा बन जाता है। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत इस वीडियो में किया गया है, तो ये वीडियो को जाके देखो। और ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं आप